सर ये स्क्रीन शेयर हुई है? जी हो गई है स्क्रीन शेयर आपकी। सर ये जिस वक्त ये वाला एक टोकन बनाते हैं ना, ये वाला इसके अंदर है, ये लॉगिन के अंदर आकर लॉगिन वाली मेरी एपीआई है ना, इसमें सर ये जो हमने टोकन का वेरिएबल एक लिया है ना, तो ये इसमें तो ये चले सारा डेटा आ गया। और ये सीक्रेट बेसिकली क्या होता है सर? असल में आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि JWT इंटरनली वर्क कैसे करता है। जी सर, इसकी वर्किंग मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही, क्योंकि इसी वजह से वो नीचे, फिर ये जिसकी नीचे फंक्शन वाली आईडी बनाई हुई है ना, ये वाली, ये भी इसी वजह से कंफ्यूज कर देती है। अच्छा और दूसरा, ये जो सर आपने लगाया हुआ है ना, ये टाइम किस तरह कैलकुलेटर है दोनों में, एक्सपायरी का और ये टाइम तो बहुत वाला, आसान है, वापस यहाँ जाए पे भी टाइम पे आप। आपको समझ आ जाएगा कैसे हुआ है। जी सर, ये देखें, IAT का मतलब है ना कि किस वक्त इशू हो रहा है ये टोकन, वो टाइम ही IAT में लिखा हुआ है। IAT में तो लगा दिया हमने, मतलब तीस तीस सेकंड पहले का लगाया, राइट, कि 30 सेकंड पहले इशू हुआ है, फॉर ठीक है। एग्जाम्पल ये असल में मसलन अभी जैसे एग्जाम्पल में ना आठ उन्होंने उन्नीस तीस हो, सेकंड पहले बनाया हुआ था, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है 30 सेकंड पहले का बनाए हम अभी माइनस ठीक थर्टी है सर। हटा भी सकते हैं। ये ऐसे ही एग्जाम्पल में था, मैंने कॉपी पेस्ट किया तो वो ये साथ आ गया ना, तो ये -30 हटा भी देंगे तो खैर हो गई इसकी। अच्छा तो अगला सर जो है ये ना, असल में ये अभी जैसे हमने लगाया ना, हाँ अभी करंट जो डेट और ये डिवाइडेड हाँ बाय 1000, इसमें इसमें जैसा ये बता रहा है 30 सेकंड, इस तरह अगर 500 ये अपनी मर्जी से लगा सकते हैं ना। हाँ अपनी मर्ज़ी से लगा। देखें IAT जो है ना, इशू एट के कब इशू हुआ है ये, अरे इशू वाला जो ठीक है डेट है वो सर, पुरानी होनी चाहिए थोड़ी, सही है। इशू ये तो जी नहीं कर सकता मैं कि इशू जो है ना, जैसे अभी 8:20 हो रहे हैं तो मैं 8:25 का इशू रख दूँ तो ये इनवैलिड हो जाएगा। इशू की डेट वो या तो ठीक अभी है की हो सर। या तो 1-2 सेकंड पीछे की हो, ठीक है। तो इसलिए 30 सेकंड माइनस करके रखा है, लेकिन आप ना भी लगाएं -30 तो खैर हो गई। अच्छा ये डिवाइड बाई 1000 जो हुआ हुआ है ना, ये इसलिए हुआ हुआ है जी कि सर डेट डॉट नाउ आपको देता है मिली सेकंड में टाइम, ठीक है। हमें मिली सेकंड में ठीक नहीं इसको देना होता है, इस टोक JWT को हमें देना होता है सेकेंड्स में, तो इसलिए डिवाइड किया हुआ है 1000 से, ताकि जो है ना वो मिली सेकेंड से कन्वर्ट होकर वो सेकेंड्स में आ जाए, राइट। ठीक है सर। तो ये IAT आपको समझ आ गया और इशू वाला, अब एक्सपायरी भी समझा जी दूँ। सर वो समझ आएंगे एक्सपायरी का, ये सिर्फ समझाने 60 × 60 × 24। हाँ अब देखें एक्सपायरी के अंदर ना, मैंने पहले तो लिखा है डेट डॉट नाउ और डिवाइड बाई 1000, कि अभी जो भी टाइम हो रहा है ना ठीक वो सेकंड्स में फॉर्म में आ जाए। ठीक प्लस मैंने उसमें इतने सेकंड ऐड करने हैं जो अगले 24 घंटे आगे निकल जाए वो, ठीक हो अगला गया। दिन ना मसलन हाँ अच्छा, तो पहला जो 60 है नेक्स्ट, इसका मतलब है 60 सेकंड, अगला जो 60 है ठीक इसका मतलब है 60 मिनट, तो 60 सेकंड मल्टीप्लाई बाई 60, तो 1 मिनट में जितने होते हैं वो निकल आएंगे, राइट। ठीक सॉरी, है 60 × 60 ना, तो ये जी सर, एक मिनट यार, ये मैंने वन शायद टू ये गलत कैलकुलेशन ट्वेंटी की है, मैंने 60 × 60 तो ये तो थ्री, ये तो 1 मिनट हुआ, वो 1 घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ 1 मिनट हुआ, नहीं 1 घंटा हुआ, सही है ठीक ना, है। 60 सेकंड ये का सर एक नेक्स्ट मिनट डे होता का ही है। बता रहा था, जिस वक्त मैं हाँ नहीं सही है, इसको सही क्रिएट है, करता था हमने ना चेक भी कर लिया मिशन, था। तो जो अगर पहला वाला क्रिएट 60 सेकंड है मल्टीप्लाई बाय 60 किया हमने, तो एक जी घंटा आ गया, 1 घंटे को मल्टीप्लाई कर दिया 24 से, तो ये असल में मैं अभी ठीक हो कैलकुलेट करके बताता हूँ, 60 × 60 × 24, तो ये टोटल 8640 सेकेंड्स होते हैं पूरे 24 घंटे के अंदर। तो हम ठीक असल में आप ये 3 लिख दें या डायरेक्ट आप 8640 लिख दें, एक ही बात है, सही है, ठीक डायरेक्ट आप एट ठीक हो सिक्स फोर उसके डबल जीरो बाद इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक सर। ये बेसिकली टोकन जो है ये सेशन है ना, जिसका हम ASP.NET में या PHP में सेशन क्रिएट कर लेते हैं, उसके अंदर वो वैल्यू स्टोर करवा लेते हैं। अच्छा ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सेशन है, लेकिन जावा स्क्रिप्ट के अंदर या ब्राउज़र के अंदर 3 चीज़ें होती हैं जिसमें कोई ना कोई डेटा, एक होता है नंबर एक लोकल स्टोरेज, लोकल स्टोरेज परमानेंट स्टोरेज होता है, आप जो भी चीज़ सेव करते हैं ब्राउज़र बंद भी करते हैं तो वो रहता है, सेव रहता है। नंबर दो होता है सेशन स्टोरेज। सेशन ठीक स्टोरेज क्या होता है कि जब तक आपकी विंडो ओपन है ना वो चीज़ सेव रहती है, विंडो बंद तो वो चीज़ ख़त्म हो जाती है ना। नंबर तीन होता है कुकीज़। ठीक कुकीज़ क्या होता है कि आपके पास कुकीज़ भी परमानेंट स्टोरेज होता है, लेकिन वो ऑटोमेटिक एक्सपायर होता है, उसका एक एक्सपायरी सेट कर देते हैं, ठीक है। तो सेशन में तो ये जैसे बैंक्स वगैरह की ऐप होती है ना, वो आमतौर पर सेशन को इस्तेमाल करती है कि भाई जब तक वो विंडो ओपन है, जब तक वो लॉग इन आप करें जो भी करें ना, वो सेशन स्टोरेज में उसको रखती है, विंडो बंद तो वो ख़त्म। लेकिन दिस इज़ नॉट सेशन स्टोरेज, हम इसको कुकीज़ में स्टोर कर रहे हैं। जो सोशल मीडिया वगैरह की ऐप्स हैं, गूगल क्लाउड है, ये AWS है, ये लोग सारे कुकीज़ को इस्तेमाल करते हैं। कुकीज़ एक ऐसा स्टोरेज होता है
वो सेशन नहीं होता, विंडो बंद करने पे वो ख़त्म नहीं होगा, और वो परमानेंट भी नहीं होता। जैसे लोकल स्टोरेज परमानेंट होता है, तो ये परमानेंट नहीं होता। अब इसका क्या चक्कर है, इसमें एक एक्सपायरी हम खुद से सेट कर देते हैं कि वो उतना टाइम गुजरने के बाद ना ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जाएगा, भले विंडो क्लोज हो या खुली हुई हो, जो भी हो, सही है। तो ये कुकी स्टोरेज है, इसमें हम इसको स्टोर कर रहे हैं। अच्छा, कुकी स्टोरेज की एक ख़ास बात और ये भी है कि क्या होता है कि हर आने और जाने वाली रिक्वेस्ट में ना ये कुकी साथ में चपक के जाता है और साथ में चपक के वापस आता है, सही है। ये सेशन में ये काम नहीं होता ना, ये लोकल स्टोरेज। तो ये कुकी एक ख़ास किस्म की चीज़ है। आप कुकी स्टोरेज को ना, कुकी स्टोरेज को आप मज़ीद अलग से अगर पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर मैं गूगल पे जाके यहाँ पे लिखता हूँ ना, अगर कुकी स्टोरेज, ठीक है, कुकी स्टोरेज लिखूँगा मैं तो, अब ये तो कुकी स्टोरेज जावा स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। ये रहा जावा स्क्रिप्ट कुकीज़। अब यहाँ पे देखें इसने क्या लिखा, कुकीज़ आर डेटा स्टोर्ड इन स्मॉल टेक्स्ट फाइल ऑन योर कंप्यूटर व्हेन वेब सर्वर हैज सेंड अ वेब पेज टू द ब्राउज़र, ठीक है, एंड कनेक्शन शट डाउन एंड पता नहीं क्या जो भी लिखा है, सर्वर फोर्ज टू यूज़र। कुकीज़ आर इन्वेंटेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम हाउ टू रिमेंबर इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूज़र। तो ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जिसको सॉल्व करने के लिए ना कुकीज़ को इन्होंने बनाया है, और ये कुकीज़ के बारे में मज़ीद नीचे डिटेल्स हैं सारी। अब देखें कुकीज़ में ना जो भी चीज़ सेट करवाते हैं उसकी एक्सपायरी भी साथ साथ उसकी सेट करवाते हैं कि भाई कब इसकी एक्सपायरी करनी है। बेसिकली कुकीज़ को ये हम कह सकते हैं ना कि ये टेम्प्ररी स्टोरेज है, बस टेम्प्ररी स्टोरेज है, जस्ट लाइक सेशन स्टोरेज, बट सेशन से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। सेशन भी इसको बोल सकते हैं लेकिन टर्मिनोलॉजी के हिसाब से ना सेशन से थोड़ा मुख्तलिफ है ये। बस ये कह सकते, क्योंकि सर एक जगह एक बंदे ने मुझे पूछा था सेशन और कुकीज में डिफरेंस ना। हाँ, तो ये मैंने आपको कुकीज और सेशन में डिफरेंस बता दिया। सेशन क्या होता है, जब तक स्क्रीन खुली है जब तक स्टोर है, स्क्रीन बंद खत्म, ठीक है। अच्छा, मेरी स्क्रीन कह रहे हैं कि शेयर ही नहीं, सेशन में ये कह सकते हैं कि उसकी एक्सपायरी नहीं है ना उस समय, जिस तरह कुकीज के अंदर हम एक्सपायरी डेट लगा, सेशन में एक्सपायरी नहीं होती। सेशन में एक्सपायरी, अगर आपने विंडो खोल के रखी हुई है, आप एक महीने तक उसको बंद ना करें तो वो सेशन चलता रहेगा आपका, ठीक है। अच्छा भाई, तब वो भी सर्वर पे उन्होंने लॉजिक्स लगाई होती हैं कि भाई इतने देर में सेशन को ऑटोमेटिक क्लोज कर दो, वो सर्वर पे फिर करते हैं वो सारा काम ना। तो ये ज़्यादा बेटर अप्रोच है, यानी क्लाइंट सर्वर की जब हम बात करते हैं ना, तो ये वाली अप्रोच ज़्यादा बेटर है कि भाई एक सर्वर अलग है, उसको कोई भी कॉल कर सकता है, मतलब रसबरी पाई भी कॉल कर सकता है, वेब एप्लीकेशन भी कर सकती है, तो वो मतलब सबके लिए यूनिफाइड एक तरीका हो जाता है, ठीक हो गया जी। अच्छा, आज हम जरा उसके बाद ये हमने यूज़ किया था इसमें, सर ये थोड़ा सा ये वाला बता दें। अच्छा, ये हम सिंपली कुछ भी नहीं चेक कर रहे हैं, सिर्फ हम कि वो कुकी वैलिड है या नहीं है। अच्छा, कुकी वैलिड है या नहीं है उसको चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये JWT का अपना ही फंक्शन है, JWT.verify, इसका अपना ही फंक्शन है ये, राइट। तो इसी से ये वेरीफाई होता है। हम क्या करते हैं, इसमें जो बंदे ने भेजा है ना अभी कुकी में जो टोकन डाल के भेजा है, ज़ाहिर है हमने ही भेजा था उसको, हमने कहा था संभाल के रखो भाई हर दफ़ा लेकर आना, तो ये हर दफ़ा आएगा ना तो लेकर आएगा। हम चेक करेंगे भाई इसका जो टोकन है वो हमारे सीक्रेट से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। और आपको ये जो हम डेटा दे रहे हैं ना, जो पासवर्ड वगैरह हम दे रहे हैं, हाँ नहीं, ये सीक्रेट फिक्स होता है, ये चेंज नहीं होता, ये सर्वर का आपके ना एक ही सीक्रेट होगा, वो फिक्स होगा, वो कोई रैंडम स्ट्रिंग, रैंडम नंबर वगैरह कुछ रख सकते हैं आप सीक्रेट की जगह, तो सीक्रेट जो है वो फिक्स होता है। हाँ, डिकोडेड डेटा जो है ना, देखें, हाँ डिकोडेड डेटा में ना जो हमने रख के साइन करवाया था ना टोकन में, वही डेटा हमें वापस मिल जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार जब वही डेटा वापस मिल जाता है तो फिर ये फ़र्क क्या हुआ, फिर ये इनक्रिप्टेड कैसे हुआ। इनक्रिप्टेड नहीं होता ये असल में, ठीक है। अब आप अगर गूगल पे जाके मैं लिखूँ ना हाउ JWT टोकन वर्क्स, तो आपको ये डेटा पता चल जाएगा कि ये कैसे काम करता है। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने लगाऊँ। सर, ये जो डिकोडेड डेटा का हमने वेरिएबल रखा हुआ, ये फिक्स डिकोडेड डेटा ये रखेंगे या कुछ? नहीं नहीं, इसका नाम कोई भी आप रख सकते हैं, नहीं इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं अपनी मर्जी का। अब मैं आपको बताता हूँ JWT के ना ये काम कैसे कर रहा होता है, ठीक है। इमेजेस पे मैं चला जाता हूँ, कोई डेमोन्स्ट्रेशन अच्छी सी किसी ने अगर बताई भी हो। हाँ, ये है इसका तरीका काम करने का ना। देखो, जब भी हम ना बनाते हैं ना इसको, जब भी हम क्या करते हैं, टोकन तैयार करते हैं, तो टोकन हमारे पास जो है ना उसके तीन हिस्से होते हैं। नंबर एक में हेडर होता है, हेडर फिक्स होता है, वो हम नहीं सेट करते, वो बीच में होता है एक अदद पेलोड। पेलोड में हम वो चीज़ें सेट करते हैं जो इन्फॉर्मेशन हमें सेट करनी है। जैसे हमने क्या ईमेल डाल दिया, यूज़र का नाम डाल दिया, कोई भी ऐसी डिटेल हम इसमें रखवा सकते हैं। लास्ट में होता है सिग्नेचर। सिग्नेचर कैसे होता है, आपका सीक्रेट होता है, वो सिग्नेचर जो है ना सीक्रेट होता है। अच्छा, अब इन तीनों से मिलके ना एक हैश कैलकुलेट हो जाता है। हैश पता है आपको क्या होता है,
हैश एक ऐसी इंक्रिप्शन की टेक्निक होती है जो वन वे होती है, सही है, उसका वन वे होती है। हैश एक ऐसी इंक्रिप्शन की टेक्निक होती है जो आप कैलकुलेट कर लेते हैं किसी भी चीज़ का, ठीक है, डाइजेस्ट कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, अब होता क्या है, ये जो डेटा है ना, इस डेटा को रखा जाता है, और इस डेटा को रखने के बाद उसमें सीक्रेट को रखा जाता है और उसका हैश कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर सेम हैश कैलकुलेट हो रहा है ना, तो उसका मतलब ये है कि बंदे ने इसमें कोई चेंजेस नहीं किया है इस डेटे के अंदर, इस डेटा के अंदर बंदे ने कोई चेंज नहीं किया। मिसाल के तौर पे अगर मैं वापस अपना ये VS कोड ओपन कर लूँ, लास्ट वाला कोड, तो जो मैंने डेटा यहाँ से रख के भिजवाया है टोकन में, अगर उस डेटा को किसी ने चेंज किया अगर, तो उसका वो इनवैलिड हो जाएगा फिर वो, ठीक है, जो भी मैंने लिखा है। कहाँ गया वो मर्न स्टैक गायब हो गया। गिरा। अब अगर मैं अपने सर्वर पे जाता हूँ ना, मेरा सर्वर सर्वर ये रहा सर्वर मेरा, ठीक है, अब यहाँ पे मैंने जो भी चीज़ इसमें रखवा के भेजी हुई है मेरे टोकन के अंदर, ये लॉगिन करता है ना बंदा, तो मैं टोकन बना के देता हूँ इसको। अब टोकन के अंदर मैंने क्या डाला है, ये डेटा डाला है, ये पेलोड है मेरा, राइट, कि बंदे की डेटा, बंदे की आईडी और बंदे का ईमेल, ये दोनों रखवाया है मैंने, और साथ में सीक्रेट रखवा दिया। इस डेटा को कोई चेंज नहीं कर सकता, इसमें मैंने लिख दिया कि इशू कब हुआ है ये टोकन और एक्सपायर कब होगा, ये दोनों बातें मैंने इसके अंदर ही लिख दी हैं, ये दिखेगा भी सबको, सामने वाले बंदे को दिखेगा भी है। वो इसके अंदर रखा हुआ डेटा देख ज़रूर सकता है, लेकिन इसके अंदर रखा हुआ डेटा मॉडिफाई नहीं कर सकता। मॉडिफाई करेगा ना, तो मेरा सीक्रेट जो मैं लगा के उसको वेरीफाई करूँगा, नहीं वेरीफाई होगा, ठीक है। अभी अब मैं पूरा ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊँगा, क्योंकि वो इंक्रिप्शन की फिर ज़्यादा डिटेल चली जाती है ना। तो एक वीडियो मैंने देखी थी यूट्यूब पर, बड़ी अच्छा उन्होंने एक्सप्लेन किया था, अगर वो मुझे मिल गई तो मैं आपसे शेयर कर दूँगा ना। तो वैसे भी आप YouTube पे लिखेंगे ना हाउ JWT वर्क्स, तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, वो बड़ा अच्छा 3D से एक्सप्लेन करके उन्होंने बताया हुआ है ना। तो इस डेटा को चेंज नहीं कर सकता कोई, दैट्स इट, हम जो रखेंगे वही रहेगा यहाँ पे, ये चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि ये लॉगिन होने की सूरत में ये जनरेट हो रहा है, ठीक है, एक बार लॉगिन हो गया, ये जनरेट हो गया, अब ये चेंज नहीं हो सकता टोकन। इसमें ईमेल जो है वो फिक्स है, आईडी है फिक्स है वो, अब ये इशू और एक्सपायरी है ये भी फिक्स है, इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। अच्छा, अब हमने करना सर ये वाला जो जितना भी सारा काम है ये सिर्फ लॉगिन पे यूज होगा ना, लॉगिन जब हम हाँ ये लॉगिन से इसका ताल्लुक है, जी जी बिल्कुल लॉगिन से इसका ताल्लुक है, और ये ना जब जब लॉगिन का काम करेंगे तभी इससे आपका वास्ता पड़ेगा, वरना इसका कोई काम नहीं है फिर आपका इसके अलावा ना। ठीक है सर। npm रन डेव करना था ना मुझे, तो मैंने ये अपना सर्वर रन कर दिया, और यहाँ पे मैंने npm स्टार्ट करके मैंने अपना फ्रंट एंड रन, देखते हैं सर अभी तक हम क्या बना चुके हैं। जी दोस्त। सर ये दो तीन सवाल पूछने थे। जी जी प्लीज पूछें। ये लॉगिन पे और app.js पे हमने डिस्पैच रखा है, तो उसमें हमने यूजर यूजर लॉगिन डिस्पैच किया है, तो वो थोड़ा सा बता दें। देखें असल में होता क्या है, ये जो हमारे पास जो कॉन्टेक्स्ट होता है ना हमारे पास, ये अच्छा ये जो कॉन्टेक्स्ट है ना मेरा, अच्छा मैंने जी एक ना गड़बड़ भी की है, ये कॉन्टेक्स्ट मुझे एक फ़ोल्डर के अंदर बनाना था, क्योंकि ये खुलने में ना फिर गुम हो जाता है ये कॉन्टेक्स्ट और रिड्यूसर। एक काम करता हूँ मैं फ़ोल्डर ये अभी बना देता हूँ मैं, सही है, मैंने कहा कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, और ये कॉन्टेक्स्ट और ये रिड्यूसर, ये दोनों उठा के ना मैं इसके अंदर कर देता हूँ, ताकि वो ना सिक्योर हो जाए, ठीक है। मूव, ये मैंने मूव करवा दिया, ठीक है, अब मुझे एरर भी दे देगा ये, जहाँ जहाँ मैंने इंपोर्ट किया हुआ था ना इसको, वहाँ वहाँ मुझे ये क्या दे देगा, एरर दे देगा, ठीक है। तो मैंने कहा /context/ ऐसे करके ना, मुझे अब सारी जगहों पे उसको सही करना पड़ेगा जहाँ जहाँ मैंने उसको इंपोर्ट किया हुआ था ना। इंडेक्स से शुरू करते हैं सही करना, तो सब जगह पे जाके ज़रा उसको जो है ना हम सही कर लेते हैं। सही है, पांच जगह पे अभी भी रह गया है, app.js, हाँ यहाँ पे भी है ना /context, सही है, अभी चार जगह पे और भी रहता है, तो चारों कंपोनेंट के अंदर होगा, और सॉरी रिड्यूसर में भी होगा ना, नहीं रिड्यूसर में नहीं है,
सर मेरा है ना एरर आया हुआ, मेरा बंद तो कंप्लीट गया लेकिन लोकल पे चला रहा हूँ तो सही है। और नेटिफाई पे डिप्लॉय करने के बाद ना नेटिफाई के लिंक से जब उसको लॉगिन कर रहा हूँ तो वो लॉगिन ही नहीं हो पा रहा। एक मिनट, ये मैंने कॉन्टेक्ट चेंज किया ना सब जगह, इसको मैं सही कर लूँ फिर मैं तुम्हारा सवाल लेता हूँ। इसमें कॉन्टेक्ट नहीं लगाया हुआ मैंने, क्या अच्छा इसमें लगाया हुआ ही नहीं है, साइनअप में लगाया हुआ ही नहीं है, प्रोफाइल में लगाया हुआ है। हाँ लगाया हुआ है। सही हो गया जी। अभी भी तीन जगह पे रहता है, नेव बार में यूज़ किया हुआ मैंने उसको। दो जगह पे रहता है अभी, लॉगिन, हाँ लॉगिन पे लगा हुआ है। सही है, एक और जगह पे रहता है, होम पे आई थिंक, होम पे नहीं है, गैलरी, यस गैलरी में है। सही हो गया, ठीक है। तो जहाँ जहाँ मैंने उसको यूज़ किया था वहाँ वहाँ मुझे उसको चेंज करना पड़ा, तो बेटर अब थोड़ा सा ना बेटर हो गया है। मैं अब ज़रा बताने की कोशिश करता हूँ, आपने जो सवाल पूछा है कि आपने ये सवाल पूछा है कि ये जो कॉन्टेक्स्ट है ना सर, ये जो हमने बनाया है ये कॉन्टेक्स्ट का पूरा डाटा है। अब इसको डेटा को जब चेंज करना होता है तो हम डायरेक्ट क्यों नहीं चेंज करते, हम उसको रिड्यूसर के थ्रू क्यों चेंज करते हैं? ठीक है, अच्छा इस डेटा में क्या चेंज आ सकता है वो तमाम का तमाम रिड्यूसर में पहले से लिखा हुआ है। मैंने कहा जब यूज़र लॉगिन होगा ना तो आपने क्या करना है, जो का भी पेलोड मिला है ना वो सब उठा के आपने यूज़र में रखवा देना है और इस लॉगिन को आपने ट्रू करवा देना है। ठीक है, जब यूज़र लॉगिन होगा, जब यूज़र लॉग आउट होगा तो आपने क्या करना है, यूज़र को भी नल कर देना है और इस लॉगिन को फॉल्स कर देना है। ठीक है, जब थीम चेंज होगी तो ये करना है। तो जो भी चेंज इसमें होना होता है वो हम पहले से ही यहाँ लिख के रख देते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, जब यूज़र लॉगिन होगा ना जस्ट ये हम डिस्पैच करेंगे भाई यूज़र लॉगिन हुआ है बस, और यूज़र लॉगिन होने के बाद हम ये इसको एक्शन में ना पेलोड भी डाल के देंगे कि भाई ये है वो बंदा जो लॉगिन हुआ है। तो ये हम रिड्यूसर इस वजह से बनाते हैं ताकि सब लोग अगर इसको एक साथ चेंज करना शुरू कर देंगे ना तो किसका पहले लेगा किसका बाद में लेगा। ठीक है, तो हर जगह से चेंज नहीं किया जाएगा, इसमें किस वक्त क्या पड़ा हुआ ये हमें पता ही नहीं होगा। किसी कंपोनेंट से कोई नया बंदा आया आपकी टीम में, कंपोनेंट से उसने पूरा का पूरा एरे उठा के रखवा दिया ऑब्जेक्ट की जगह, या उसने कोई दूसरी चीज़ रखवा दी यूज़र की जगह। ठीक है, तो हम ऐसा कभी भी नहीं करते, हम क्या करते हैं हमेशा इस तरह करके। और इसमें वैलिडेशन भी लगा सकता हूँ मैं, इसमें यहाँ पे मैं वैलिडेशन भी लगा सकता हूँ कि भाई अगर ये एक्शन डॉट पेलोड ना क्या होना चाहिए उसके अंदर, एक्शन डॉट पेलोड में अगर वो सही डेटा नहीं है तो मैं उसको नहीं रखवाऊँगा। ठीक है, तो मैं ये सारी चीज़ें भी कंट्रोल मेरे पास होता है यहाँ पे ना। जी सर, वो लेकिन लॉगिन में भी डिस्पैच लगाया है, वहाँ पे भी यूज़र लॉगिन हमने रखा है लॉगिन के पेज पे। मैं देख लेता हूँ कि लॉगिन के पेज पे क्या रखा हुआ है हमने, और लॉगिन के पेज पे यही लॉग वो रखा हमने डिस्पैच। हाँ तो वो फिर गलत रखा है हमने, अगर ऐसा है तो गलत है फिर। अच्छा डिस्पैच यूज़र लॉगिन हुआ और यूज़र लॉगिन पे पूरी पूरी प्रोफाइल दे दी मैंने। अच्छा अब साइनअप पे भी आप कह रही यही रखा हुआ है? नहीं, app.js में, app.js पे ना। हाँ ये आपने बहुत अच्छा बताया कि app.js पे सर ये क्यों रखा हुआ है। app.js पे ये इस वजह से रखा हुआ है हमने कि जैसे ही मेरी ऐप ओपन होती है ना, क्योंकि देखें मैंने एक बार लॉगिन जब कर लिया, यहाँ पे लॉगिन कर लिया, ये डिस्पैच हो गया और मेरे पास वो कॉन्टेक्स्ट में चला गया, लेकिन अगर मैं अपना पेज रिफ्रेश कर देता हूँ तो वो तो कॉन्टेक्स्ट मेरा खाली हो जाएगा। ठीक हो गया, क्योंकि ये तो सारी चीज़ें जब तक रहेंगी ना जब तक पेज रिफ्रेश नहीं हो जाता, जब पेज रिफ्रेश होगा तो ये क्या हो जाएगा, मेरा कॉन्टेक्स्ट सब खाली हो जाएगा। तो मुझे एक तो लॉगिन के बटन दबाने पे ये काम करना है, दूसरा मुझे क्या करना है कि अगर बंदा रिफ्रेश कर देता है अगर मेरी ऐप को तो उस सूरत में भी एक दफ़ा चेक करवाना है कि वो लॉगिन है या नहीं है। तो वो काम मैंने करवाया है app.js के अंदर। app.js के अंदर मैंने कहा यूज़ इफेक्ट बनाओ, ये यूज़ इफेक्ट कब चलेगा, सिर्फ एक दफ़ा चलेगा, ये देखो इसमें एरे एम्प्टी है ना, एक दफ़ा चलेगा जस्ट ये। अच्छा इसमें मैंने बोला, मैंने कहा भाई गेट प्रोफाइल करो, अगर गेट प्रोफाइल में प्रोफाइल मिल जाती है तो आप बोलो कि यूज़र लॉगिन है। सही है, यूज़र लॉगिन है, तो इसलिए मैंने ये दोबारा यहाँ पे कॉल करवाया है। अगर मैं इसको रोक दूंगा ना तो आप देखें क्या होगा, इसको मैं अगर सर, रोक देता प्रोफाइल में भी रखा है, प्रोफाइल में कहाँ रखा है, प्रोफाइल वाले को भी देख लेता हूँ वो क्यों रखा है हमने।
प्रोफाइल में तो डिस्पैच कहीं कोई नहीं करवाया हमने, जी, ये है ना। प्रोफाइल में स्टेट है। प्रोफाइल में जैसे उसको हमने यूज़ किया हुआ है, जो भी चीज़ मौजूद है स्टेट में उसको यूज़ किया हुआ है। अच्छा तो मैं क्या करके दिखा रहा था आपको, हाँ ऐप डॉट जे एस में ना अगर मैं इस डिस्पैच को अगर मैं रोक दूँ तो होगा क्या, लॉगिन तो वो हो जाएगा लेकिन जैसे ही मैं रिफ़्रेश करूँगा ना वो लॉग आउट हो जाएगा। इसको मैंने साइन इन किया, बंदा लॉग इन हो गया, अब जैसे ही मैं रिफ़्रेश करूँगा ना ये लॉग आउट हो जाएगा, ये लॉग आउट हो गया बंदा, ठीक है, वो खुलेगा ही नहीं अब। अरे ये क्या हुआ, एरर आ गया कोई शायद, एक मिनट ये भी ना साथ में खोल के रखते हैं कॉन्सोल। अच्छा कोई राउट है ही नहीं, सही है, कोई राउट ही नहीं मिला उसको, क्योंकि शुरू में जो वो लॉगिन था वो मैंने नल किया हुआ था ना, तो यहाँ पे अगर राउट पे जाकर मैं देखूँ ऐप डॉट जे एस एक्स के अंदर ही अगर मैं जाकर देखूँ तो मैंने बोला था कि लॉगिन अगर ट्रू हो तो ये लॉगिन वाला दिखा दो, अगर लॉगिन फॉल्स हो तो ये वाला दिखा दो, अगर लॉगिन नल हो तो लोडिंग दिखा दो। तो लोडिंग दिखा क्यों नहीं रहा भाई, दिखाना चाहिए ना इसको लोडिंग, लोडिंग नहीं दिखा रहा ये, पता नहीं क्या बकवास है, शायद ब्लैक कलर से लिखा हुआ है इसलिए नहीं दिखा रहा। ये कौन से पे हूँ मैं, ऐप डॉट जे एस पे हूँ ना, H1 में मैं बोल देता हूँ लोडिंग, H1 में दिखाओ भाई, लोडिंग क्यों नहीं दिखा रहा यार, ये क्या बकवास है, H1 बड़ा सा लोडिंग दिखाओ, ये क्या, H1 इज नॉट अ राउट, ओ अच्छा, ये कह रहा है भाई ये ना राउट दिखाना होगा आपको। मैंने कहा कोई भी राउट हो ऐसे करके, ये गलत लोडिंग गलत लगाया हुआ था मैंने इसलिए शो नहीं कर रहा था ये, मैंने कहा पाथ कोई भी हो लगन लॉग इन अगर नल है ना तो आप ये H1 दिखाओगे, यहाँ पे H1 दिखाओगे आप, यहाँ सही है, अब देखते हैं। हाँ अब देखो लोडिंग आ गया ना, अब लोडिंग आ गया ये, क्योंकि नल है लॉग इन इस वक्त, ना ट्रू है ना फॉल्स है, पता ही नहीं है बंदा लॉग इन है या नहीं है, ठीक है, फॉल्स होगा तो ये लॉग इन साइन अप दिखा देगा, ठीक है, अगर ट्रू होगा तो ये दिखा देगा, क्या कहते हैं प्रोफाइल और होम वगैरह दिखा देगा। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये डिस्पैच वापस जब मैं खोलूँगा ना तो देखें अब क्या होगा, जब लोड होगा ना शुरू में तो लोडिंग आएगा लिखा हुआ लेकिन फ़ौरन वो यहाँ लेकर आ जाएगा। अब मैं अगर लॉग आउट का बटन दबा देता हूँ तो शुरू में लोडिंग होगा फिर लॉग इन साइन अप के फॉर्म पे आ जाएगा, ये प्रॉपर हमारा जो है ना वो बन चुका है, साइन इन दोबारा किया मैंने यहाँ पर आ गया, देखें रिफ़्रेश कर रहा हूँ, सही साइन इन है, ये ख़त्म नहीं हो रहा, ये साइन आउट नहीं हो रहा रिफ़्रेश करने पे, राइट। तो सर होपफुली लॉग इन करके रिफ्रेश करेगा, लॉग इन हुआ है अभी, लॉग इन होके रिफ़्रेश हो रहा है, अब लॉग आउट कर देता हूँ मैं, ये लॉग आउट कर दिया मैंने, अब रिफ़्रेश करूँगा तो लॉग आउट ही रहेगा, ये लोडिंग आएगा लेकिन लॉग आउट आ जाएगा। लोडिंग की जगह पे आप कोई अच्छी सी पिक्चर भी लगा सकते हैं कोई ना, ठीक है, मैंने कहा भाई कि लोडिंग बैकग्राउंड एनिमेशन, ठीक है, कोई ऐसी मैंने पिक्चर विक्चर लगा दी, कोई ऐसी चीज़ लगा दी यहाँ पे, दैट्स परफेक्टली फाइन, ये मैं कर सकता हूँ। ये क्या है भाई, वीडियो है कोई लॉगिन की है, ठीक है, इस तरह की कोई है ना फ्यूचरिस्टिक किस्म की ना चीज़ भी लगा सकते हैं, जैसे इसको मैं ज़रा देखता हूँ क्या है ये बैकग्राउंड पे ना, अच्छा ये एक वीडियो है, अच्छा इन्होंने अपना वाटर मार्क भी पीछे लगाया हुआ है, कामिनो HD साइन अप टू डाउनलोड आ रहा है ये तो, नहीं पैसे मांग रहा है ये डाउनलोड करने के, पर जीवी मेल लिख के सर्च कर ले वो मिल जाएगी। नहीं हम कोई वो एनिमेशन नहीं उठाते ना, हम लोडिंग का बैकग्राउंड उठा लेते हैं, सही है, जैसे ये इस तरह की हम फ़ोटो उठा लेते हैं कि भाई लोडिंग हो रहा है, ये लगा सकते हैं ना ऐसी कोई भी फ़ोटो, या मिसाल के तौर पे जैसे सिस बॉर्ग का लोगो लगा देते हैं, हम सिस बॉर्ग का हम लोगो लगा देते हैं, PNG में आ रहा है क्या, चलो जो आ रहा है उसी को लगा देते हैं। मैंने कहा ओपन इमेज इन न्यू टैब, अच्छा ये काफ़ी घटिया क्वालिटी में आया है, मतलब HD में नहीं आया मेरे पास ये,
खैर इसको मैंने सेव का बटन दबा दिया, डाउनलोड जॉट जेपेग। और मैं क्या करूँगा अब यहाँ पे ला के इसको, मेरे पास SRC के अंदर ना, मेरे पास SRC के अंदर एक फोल्डर होना चाहिए दैट इज़ कॉल्ड एसेट्स। ठीक है, SRC के अंदर मेरे पास, अभी तो डायरेक्ट ये यहाँ खड़ा हुआ है ना, SRC के अंदर मेरे पास एक फोल्डर होना चाहिए दैट इज़ कॉल्ड एसेट्स। तो मैं एसेट्स में ना ला के इसको मैं क्या कर दूंगा, इस पिक्चर को मैं एसेट्स में डाल दूंगा। और मैं क्या लगा दूंगा इसको, बैक GROUND, बैकग्राउंड डॉट जेपैग। सही है, ये मैंने नाम रख दिया इसका। अब मैंने क्या करना है, मैंने इसकी यानी लोडिंग जहाँ दिखाता हूँ ना मैं, वहाँ पे मैंने इसको दिखाना है। तो मैं ये H1 हटा के क्या करूँगा, H1 हटा के एक IMG लगा दूंगा यहाँ पे। पता नहीं वहाँ पे सजेशन ही नहीं दे रहा IMG का। हाँ ये दिया ना अब इसमें, ठीक है ये IMG आ गया। IMG के अंदर मुझे डॉट स्लैश करके भी लगा सकता हूँ मैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। ठीक है, डॉट स्लैश करके भी मैं लगा सकता हूँ बैकग्राउंड जे पे, देखते हैं अभी शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्या हुआ, इंटरनेट को थोड़ा स्लो करना पड़ेगा, ये बहुत ही फास्ट हो जा रहा है ना। इंटरनेट को कैसे स्लो करते हैं, हम यहाँ से करते हैं। अम यम 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 यम, ये रहा थ्रॉटलिंग, मैंने कहा फास्ट 3G। अच्छा ये तो डॉट स्लैश करके मिल ही नहीं रहा। वेल प्रॉपर तरीका ना इसको लगाने का ये नहीं है, प्रॉपर तरीका क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मैं ऊपर इसको क्या करता हूँ, इम्पोर्ट करता हूँ। इम्पोर्ट मैं कैसे करता हूँ, इम्पोर्ट मैंने कहा बैकग्राउंड इमेज फ्रॉम, और अब लगाऊंगा मैं इस पर डॉट स्लैश और एसेट्स स्लैश बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, तो अब इस बैकग्राउंड इमेज को मैं ऐसे करके यहाँ पे दे रहा हूँगा SRC के अंदर। ठीक है, ऐसे करके दे रहा हूँगा मैं इसको, राइट, दिस इज़ द राइट वे। ठीक है, अब आप देखें जब तक वो ना लोड नहीं होता ना, जब तक वो मुझे एक इमेज दिखा रहा है, तो बड़ी वाहियात से दिख रही है वो इमेज। कोई और ढंग के उठाते हैं यार। एक मिनट, स्प्लैश स्क्रीन बोलते हैं, अभी मुझे नाम याद आ गया उसका। ठीक है, इसको स्प्लैश स्क्रीन बोलते हैं, लोडिंग स्प्लैश स्क्रीन, राइट। ये इस तरह का ना, ये देखो इसको स्प्लैश स्क्रीन बोलते हैं, जो ऐप खुलते हुए शुरू हो रहा था ना, शुरू में शो हो रहा होता है, उसको हम स्प्लैश स्क्रीन बोलते हैं। ये तो AI वही समझ गया ये। फ्यूचरिस्टिक स्प्लैश स्क्रीन, राइट। नहीं मिल रहा है यार कुछ। वेल तो अभी मैं क्या करता हूँ, थोड़ी देर के लिए इस डिस्पैच को रोक के ना, जो मेरे पास है इसी को सेट वेट करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वहाँ तो भाई कुछ ढंग का मिल ही नहीं रहा। अब मैं रिफ़्रेश करूँगा ना, तो ये इमेज पे ही स्टक हो जाएगा।
इमेज पे ही स्टक हो जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि मैंने वो थोड़े ये गया, वो डिस्पैच तो मैंने रोका बताया से। हाउ इज मैंने डिस्पैच तो रोका हुआ था। ओके 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 ओके, वो एल्स में असल में जो है ना मुझे लॉगिन वाले पे जाके करना होगा। हाँ आप सही हो, ये वही बोल रहा हूँ, ये क्या चक्कर है। तो इस सर पर आज भी आप मुझे पेप्सी नहीं लाए? यार बस खैर हो गई, पेप्सी के बगैर ही चलना है अभी। विर्थ मैंने इसकी कर दी 100%, ठीक है, और अभी वर्टिकल इसको मुझे सेंटर में भी करना पड़ेगा, ठीक है, या मैं बैकग्राउंड जो है ना लगा देता हूँ बैकग्राउंड कलर ब्लैक, सही है। अच्छा मुझे जो है ना इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक तो मैंने कर दिया है, लेकिन वो बैकग्राउंड शो नहीं हो रहा। अच्छा वो शो इसलिए नहीं हो रहा कि जितनी इमेज है उतना ही शो होगा बैकग्राउंड। तो मैंने इसको बोला कि भाई हाइट जो है ना आपकी क्या हो जाए, हाइट आपकी हो जाए 100 VH, सही है। अच्छा ये तो स्ट्रेच कर दिया इसने यार, तो हमें फिर एक काम करना होगा, हमें सर काम आपने ये इमेज करना। को हाइट दी है, आप एक डिव में बनाएंगे ना, डिव को हाइट देने हाँ मैं यही भी करने पे लगा आगे हूँ कि असल में मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एक डिव में बनाना पड़ेगा अब, ताकि डिव को मैं दे दूँ हाइट 100%। ओ तेरी भाई, डिव मैंने बना दिया और इमेज को मैं डिव के अंदर गुम कर दिया, गुम कर दिया, सही है जी। अच्छा तो मैंने क्या किया था, क्लास नेम लोडिंग, सही है, क्लास नेम मैंने इस पे लगा दिया लोडिंग, ताकि इसी क्लास नेम के ऊपर मैं इसको क्या दे दूंगा, फिर स्टाइलिंग लगा दूंगा। मैंने कहा ऐप डॉट सी एस एस डॉट लोडिंग, इसकी जो हाइट है इसकी वो 100 VH है, सही है जी। और मैंने कहा कि डॉट लोडिंग के अंदर जो IMG है उसकी जो विड्थ है वो हो जाए 100%, ठीक है। अब ये हो गया। अच्छा वो डिव जो है उसको मैंने बैकग्राउंड कलर देना है। अच्छा बैकग्राउंड कलर भी मैं यहाँ पे से ना पिक कर लेता हूँ इसी में से ही, यही वाला कलर इसको दे देता हूँ मैं, सही है। मैंने कहा भाई आपका जो बैकग्राउंड कलर है वो ये वाला हो जाए, सही है, और ये वाला करने के बाद मुझे इमेज को भी सेंटर में लाना है, सही है, इमेज को भी मैंने क्या करना है अब सेंटर में लाना है, राइट। तो बैकग्राउंड कलर तो मैंने चलो ये वाला दे दिया इसको, अब इमेज को मुझे सेंटर में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा। इसको अलाइन आइटम कर दूं तो आ जाएगा, अलाइन आइटम सेंटर कहाँ से आ जाएगा, फ्लैक्स बॉक्स थोड़ी है ये। सर डिस्प्ले फ्लैग दे दें इमेज को, अलाइन आइटम सेंटर हाँ करके आ अगर जाएगा। मुझे इसको सेंटर में करना है ना तो मुझे फिर इसको डिस्प्ले फ्लैक्स करवाना पड़ेगा पहले, डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है। डिस्प्ले फ्लैक्स करने के बाद पहले तो आपका जो अलाइन आइटम्स सेंटर, तो ये भाई सेंटर में आ गई हमारी इमेज, ठीक है। एक इमेज को सेंटर करने के लिए हमें कितने, ओए गलत किया मैंने, इस पे आएगा ये। एक इमेज को सेंटर करने के लिए हमें कितने पापड़ बेलने पड़े, लेकिन अब इसका इम्पैक्ट आप देखो। अच्छा इसका डिस्पैच भी वापस खोल देता हूँ ना मैं, जो मैंने रोका हुआ था, इसकी सांस दबाई हुई थी। अब जब मैं रिफ्रेश करूँगा ना तो पहले मुझे लोडिंग स्क्रीन दिखेगी, सही है। यहाँ पे मैं मे भी मैं लोडिंग लिख के भी दिखा दूँ, यहाँ पे लिख दी देता हूँ लोडिंग ना, मैं कहता हूँ इमेज के नीचे ना लोडिंग ऐसे लिखा हुआ जाए, ठीक है। और इसको भी मैं एक डिव में पैक कर देता हूँ ना लोडिंग वाले को, क्योंकि मेरे पास इमेज के अंदर, वैसे तो इमेज के अंदर एनिमेट हो रहा हो या कुछ ऐसा हो रहा हो, लेकिन मेरे केस में अभी तक ऐसा नहीं है, तो मैं क्या सर फिर ये करूँगा। बराबर में आएगा, डिस्प्ले ब्लैंक दिया और कॉलम करना पड़ेगा, फिर जस्टिफाई चेक करके। हाँ ऐसा ही होने वाला है,
यार शो ही नहीं हुआ अभी तक तो, ये दोबारा इसकी सांस दबानी पड़ेगी मुझे। वेल हाँ वो ब्लैक है इसलिए शो नहीं हो रहा ना अभी। हमें ये इसको ना डुप्लीकेट मारना पड़ेगा। और मैंने कहा कि कलर वाइट, हाँ वो उस तरफ चला गया ना। यस 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 दैट इज अच्छा सही है। और फ्लैग डायरेक्शन कॉलम कर दें हम, हाँ फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम हो जाएगा हमारा। तो जस्टिफाई भी सेंटर हाँ, अब इसको जस्टिफाई कंटेंट करना पड़ेगा हमें। जस्टिफाई कंटेंट होगा अब लाइन आइटम, क्योंकि अच्छा वो अब इस तरह करके साइड पे हो गया। इसको भी तो हमें बीच में लाना है, ये कैसे होगा? एक मिनट, क्या था वो फ्लेक्स बॉक्स? टैक्स अलाइन अलाइन आइटम सेंटर भी कर दें। अलाइन आइटम नहीं, अभी भी अलाइन आइटम ही लगेगा। सही है ना, वो ऐसे हो गया, ये भी सेंटर लगेगा तो वो सही है, सेंटर हो जाएगा। सही है, छोटा सा लोडिंग चुन्ना मुन्ना सा लिखा हुआ आ गया। अगर मैं नेटवर्क को अब स्लो कर दूँ, नेटवर्क को अगर मैं अब स्लो कर देता हूँ तो ये क्या होगा, मुझे स्क्रीन भी आएगी और लोडिंग बकायदा वो लिखा हुआ दिखाएगा और फिर मेरी ऐप ओपन होगी। ठीक है, अगर मैं लॉगआउट भी कर देता हूँ तो भी क्या होगा, रिफ़्रेश करने पे मुझे थोड़ी देर तक वो स्क्रीन दिखेगी, फिर मुझे पता चलेगा कि अच्छा यार मैं लॉगिन हूँ या लॉगआउट हूँ। सही है, रिफ़्रेश पे मुझे वो हमेशा शुरू में दिखाएगा। अच्छा ये सब में आ रहा होता है ना, गूगल वूगल में जो भी आप ओपन करेंगे ना, हर वेबसाइट में ये आ रहा होता है, राइट? तो ये आपने सीख लिया एक और चीज़ आज। अच्छा सी एस एस लगा ली हमने काफ़ी सारी इसके ऊपर। अच्छा सर, ये ऐप डॉट यूज मिडलवेयर है तो उसमें नेक्स्ट वो भी लगा रहे एनवायरनमेंट वेरिएबल वाला काम रह गया तो शायद। हाँ वो एनवायरनमेंट वेरिएबल वाला ही करते हैं जी। प्लीज़ पूछिएगा सवाल अपना। ऐप डॉट यूज मिडलवेयर है ना तो हाँ, उसमें हमने नेक्स्ट भी लगाया है, हाँ, वो नेक्स्ट क्या करता है? ऐप डॉट यूज ये वाला जो लगाया हमने नीचे तो मिडलवेयर बनाया, ये कोर्स ऐप डॉट यूज लाइन नंबर बताइएगा मुझे। नीचे है सर, वो लॉगिन साइन अप के बाद है। अच्छा एक ये रहा जी ये। अच्छा ये जो ऐप डॉट यूज़ है ना, ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट को यहाँ से आगे नहीं बढ़ने देगा। अगर बंदा लॉगिन नहीं है, अगर उसकी अगर मतलब एक्सपायर हो गया है टोकन या लॉगिन सिरे से ही नहीं है वो, तो उसको वो यहाँ से आगे नहीं बढ़ने देगा, यहाँ रोक लेगा उसको। और अंदर लॉजिक क्या लगी हुई है, उसके टोकन को पकड़ के वो वेरीफाई करता है। ठीक है, टोकन नेक्स्ट भी लगाया हुआ है ना ऊपर। हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट जो लगाया हुआ है, देखें अब एक तो होता है ना कि यार ये गेट की रिक्वेस्ट है, तो गेट की रिक्वेस्ट में जब यहाँ रिक्वेस्ट आती है ना तो हम क्या करते हैं, उसको रिस्पॉन्स भेज देते हैं, ख़त्म हो जाता है। लेकिन ऐप डॉट यूज़ जो है ना, इसमें हम रिस्पॉन्स आमतौर पर नहीं भेज रहे होते। मैंने क्या करना है, या तो रिक्वेस्ट को यहाँ पर रोक देना है या तो आगे जाने देना है। तो आगे जाने के लिए ना मैं बोलता हूँ नेक्स्ट, तो इसके ऊपर खड़ा होकर अगर मैं नेक्स्ट बोलूँगा तो ये अगले पे चला जाता है। अगर अगले पे मैच होगा तो चलेगा, वरना और अगले पे जाएगा, फिर और अगले पे जाएगा। सही है, मतलब उसको यहाँ से समझ जाए, नेक्स्ट का मतलब होता है ठीक है भाई जाने दो आगे, बंदा लॉगिन हुआ हुआ है प्रॉपर। ठीक है, इसमें नेक्स्ट जब देखें, नेक्स्ट मैंने कब कॉल किया है, जब यहाँ पे मेरे पास है ना इफ़ डिकोडेड डेटा, अगर एक्सपायर भी नहीं है सब कुछ ओके है, तो मैंने कहा कि ठीक है भाई इसको आप नेक्स्ट करिए। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में ये टोकन डाल दिया मैंने कि भाई जो भी अब डिकोडेड डेटा है वो आपको टोकन के अंदर मिल रहा होगा, और मैंने बोला नेक्स्ट कि भाई आगे जाओ, देखो आगे क्या करना है। अच्छा सर, ये क्रीडेंशियल्स जो है ये कब लगाते हैं, जब फ्रंट एंड और बैक एंड हमारा लोकल होस्ट पे हो तब? अच्छा क्रीडेंशियल ट्रू जो मैंने लगाया हुआ ना रिक्वेस्ट भेजते हुए, उसकी शायद आप बात कर रही हैं, राइट? जी। अच्छा जो क्रीडेंशियल ट्रू मैंने लगाया हुआ है वो मैं दो जगह पे लगाया हुआ है, राइट? एक तो लगाया हुआ है मैंने यहाँ पे कोर्स में ऊपर, ठीक है, ये कोर्स में लगाया हुआ है मैंने। कोर्स का मतलब ये होता है कि जो रिक्वेस्ट आएगी ना उसमें क्रेडेंशियल्स होंगे, यानी क्रेडेंशियल्स का मतलब कुकीज़ होंगी उसके अंदर, तो उसको आपने रोकना नहीं है, उसको आने देना है। ठीक है, और मैंने एक लगाया है एग्जियोस से रिक्वेस्ट भेजते हुए, वहाँ पर मैंने क्रेडेंशियल ट्रू जो लगाया है वो इसलिए लगाया है कि भाई ये जो रिक्वेस्ट जा रही है ना, इस रिक्वेस्ट में आपको क्या करना है, आपको क्रेडेंशियल्स भी साथ में लेकर जाना है, छोड़ के नहीं जाना है। सही, ऐसे होता है ना बच्चा स्कूल जा रहा होता है बैग भूल के चले जाता है, तो भूल के नहीं जाना उसमें, हम मतलब कहते हैं यार कुकीज साथ लेकर जाने। हाँ जो कुकीज़ जो भी पड़ी हुई है ना वो साथ, अगर मैं ये नहीं लगाऊंगा तो वो कुकीज़ को साथ लेकर नहीं जाएगा, और जब वो साथ लेकर नहीं जाएगा तो जब कुकीज वहाँ पहुँचेगा तो वो मिस उसको कहेंगे कि भाई आप बैग तो लेकर ही नहीं आए, तो आप वापस जाओ, तो वो बोलेगा कि अच्छा। यार आपको इजाज़त नहीं है सर्वर में दाखिल होने की। और कुकी पार्सर जो ऊपर लगाया है, हाँ कुकी पार्सर जो है वो क्या है, जैसे क्योंकि बॉडी
हाँ, मैंने जैसे पहले जिक्र किया था कि आपके पास जो है ना, जब रिक्वेस्ट एक निकलती है आपकी मशीन से और वो सर्वर की तरफ जब जाती है, तो उसमें एक होता है बॉडी और एक होता है हेडर्स। तो हेडर्स जो होते हैं वो होते हैं पब्लिक, ठीक है। हेडर्स क्या होते हैं? पब्लिक होते हैं। लेकिन बॉडी जो होती है ना, वो उसको क्या करना पड़ता है, आपको पार्स करना पड़ता है, क्योंकि बॉडी इनक्रिप्टेड फॉर्म में ट्रैवल करती है तारों के अंदर, ठीक है। इसी तरह कुकीज़ भी जो है वो क्या होती है, सिक्योर होती है कुकीज़ ना, तो इसलिए उसको भी पार्स करना पड़ता है। अगर ये मैं पार्स नहीं करूँगा तो मुझे कुकीज़ जो है वो खाली मिलेगी, एम्प्टी मिलेगी, सही है। तो इसलिए इसको मुझे पार्स पार्स करना मतलब पड़ता है। पार्स का मतलब ये होता है, जैसे ये एक्सप्रेस डॉट जेसन है ना, ये भी है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पार्सिंग बॉडी, ठीक है, और पार्सिंग कुकीज़, PARSING, ठीक है। पार्सिंग की अब डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। पार्स तो वैसे ये होता है कि इनक्रिप्टेड फॉर्म में जो है ना, या इनकोडेड फॉर्म में, तो उसको प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना ना। तो पार्स ये कह रहे हैं रिजॉल्व अ स्टेटमेंट, रिजॉल्व अ सेंटेंस इनटू अ कंपोनेंट ऑफ पार्ट ऑफ डिस्क्राइब देयर सिंटैटिक रोल्स। वेल, ये कह रहा है पार्स का मतलब ही होता है कि अगर एक जुमला लिखा हुआ है ना, तो उसमें से निकालें कि भाई ऑब्जेक्टिव कौन सा है, वर्ब कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, ये इसको अलग करने को कहते हैं पार्स, ठीक है। तो हमारे पास पार्स जो है वो क्या होता है कि जब तारों से डेटा ट्रैवल करके आता है ना, तो वो ऐसे फॉर्म में नहीं होता, मतलब प्लेन टेक्स्ट नहीं होता वो, या जैसे हम भेजते हैं ना जेसन में बॉडी भेजते हैं, तो वो जेसन में नहीं होता। तो उससे इससे ना जेसन में बनाना पड़ता है दोबारा उसको, ठीक है, और इससे कुकीज़ को दोबारा अपनी असल हालत में लाना पड़ता है। आपने वो नेटवर्क की लेयर्स पढ़ी होंगी कि जब कंप्यूटर से जब रिक्वेस्ट निकलती है बाहर, तो वो 7 लेयर्स से होके गुजरती है ना। सबसे पहला लेयर होता है, उसको वो क्या करता है, उसको वो बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है, फिर ठीक है। अगला जो लेयर होता है, फिर वो देखता है अच्छा आईपी किधर है, जाना किधर है, ऐसे 7 लेयर्स होती हैं। तो वो जब तारों में जब ट्रैवल कर रहा होता है ना डेटा, तो वो बाइनरी की फॉर्म में ट्रैवल कर रहा होता है। तो जब वो सर्वर पे पहुंचा है ना वापस, तो इस बाइनरी को वापस इसकी असल हालत यानी टेक्स्ट की फॉर्म में, जो असल में भेजा गया था, उसमें लाने का नाम ये पार्स है, ठीक है। तो हमें बॉडी को पार्स करना पड़ता है इस वजह से, ठीक है। अच्छा सर, ये ऐप ये जो है गेट पुट और ये तो सारे मेथड्स है ना, 4 मेथड है, तो ये यूज जो है वो क्या चीज है? यूज़ जो है ना, वो हर मेथड पे हिट होता है। ये मिसाल के तौर पर देखें, ये ऐप डॉट यूज़ है ना, जब भी कोई रिक्वेस्ट इस सर्वर में दाखिल होगी ना, वो सबसे पहले इस ऐप डॉट यूज़ में दाखिल होगी, ठीक है। यहाँ पे उसकी बॉडी को पार्स किया जाएगा, फिर नेक्स्ट कॉल होगा इसके अंदर, फिर इसमें दाखिल होगी, यहाँ पे कुकीज़ को पार्स किया जाएगा, फिर इसमें दाखिल होगी, यहाँ पे चेक किया जाएगा कि हाँ यार ये जो लोकल होस्ट 3000 से ही आई है ना रिक्वेस्ट, या कहीं और से आ गई है। अगर कहीं और से आई है तो उसको मना करेंगे। क्रेडेंशियल को चेक किया जाएगा, हाँ भाई मौजूद है, ठीक है। फिर इससे नेक्स्ट कॉल होगा, तो ये आगे कौन सा है, अब आगे आगे इसमें चला जाएगा। अगर ये एड्रेस मैच होता है और मेथड भी मैच होता है, दोनों मैच होना ज़रूरी है, तब इसमें हिट होगा। अदरवाइज़ क्या करेगा ये, अदरवाइज़ आगे वाले पे चेक करेगा, ठीक है। इसमें अगर एड्रेस और मेथड दोनों मैच होगा तो ये हिट होगा, वरना और आगे चला जाएगा, ठीक है। और आगे ये फिर इससे और आगे भी जा सकता है। फिर अच्छा, ये ऐप डॉट यूज़ है ना, अगर यहाँ तक रिक्वेस्ट पहुँची, अगर पहुँची, तो इसमें ज़रूर हिट होगी, चाहे कोई भी एड्रेस हो, चाहे कोई भी मेथड हो उसका। ऐप डॉट यूज़ हर मेथड पे हिट होता है ये चेक पॉइंट है जी, ये चेक पॉइंट्स उसको बोल सकते हैं आप। जैसे शुरू में भी आपने देखा ना कि हर आने वाली रिक्वेस्ट को हमें हमें उसके बॉडी को ज़रूर पार्स करना है, यहाँ से गुजर के आएगी। हर आने वाली रिक्वेस्ट की कुकीज़ को ज़रूर पार्स करना है, तो इसलिए मैंने यूज़ लगाया। ओके थैंक यू सर। अच्छा सर, हमारा एरर देखें। जी जी बिल्कुल, दिखा दें। लिंक मैंने भेजी थी, ये स्क्रीन शेयर करो, क्योंकि लोकल पे सही चल रहा है, नेटलिफाई पे मसला कर रहा है, लॉगिन ही नहीं हो रहा। अच्छा दिखा दो, दिखा दो, स्क्रीन शेयर कर दो अपनी, स्क्रीन शेयर करके दिखा दो। कर रहे हो स्क्रीन शेयर? कर सलामकुम वालेकुम अस्सलाम जी दोस्त। जी सर, मेरे पास भी एक इशू आ रहा है, जो है क्या नाम है, नेटलिफाई पर डिप्लॉय होने में सर एरर आ रहा है। नेटलिफाई भी डिप्लॉय में क्या रहा मॉड्यूल का सर कोई एरर दे रहा है। है एनपीएम रन बिल्ड चलाया आपने? जी सर, वो करके ही कर रहा हूँ मैं नेटलिफाई डिप्लॉय ना, अच्छा उसके बाद नेटलिफाई पे भी सिर्फ रिएक्ट की ऐप होस्ट होगी, सर्वर आपका जो है ना साइक्लिक पे होस्ट होगा।
ठीक है सर। साइक्लिक वैसे आ गया है ना सब लोगों को, मैंने एक दफ़ा शायद करके बता दिया इस क्लास में या नहीं बताया, नहीं मैंने बताया। इस क्लास में साइक्लिक नहीं बताया। अच्छा मैं ना एक वीडियो भेज देता हूँ आपको, वो उस रिसेंटली किसी दूसरी क्लास में ना मैंने साइक्लिक पढ़ाया था, तो मैं youtube.com पे गया और योर वीडियोस यार, बल्कि youtube.com पे ही आप लिखेंगे ना इंजमाम मलिक और साइक्लिक लिखेंगे तो आ जाएगा। ठीक है ये आ गया, डिप्लॉय नॉट जी सर्वर ऑन साइक्लिक, राइट। तो ये मैं लिंक आपको दोबारा से भेज देता हूँ, ठीक है लिंक आपको मैं दोबारा से ये चैट में भेज देता हूँ। इसमें ना साइक्लिक पे कैसे डिप्लॉय होता है एक्सप्रेस का सर्वर, वो इसमें बताया गया है, राइट। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, वैसे भी आप लिखेंगे ना इंजमाम मलिक लिखें साथ में साइक्लिक लिखें तो ये वीडियो फ़ौरन सामने आ जाएगी इसकी ना, तो आप ये इसको देख सकते हैं यहाँ पे आप। अच्छा भाई कर सर रहे हो? देखिएगा हाँ बताओ क्या स्क्रीन में मसला है। ये देखें सर लोकल होस्ट लॉगिन है, सही है करो लॉगिन बटन दबाओ। ये हो गया लॉगिन, सही है। यहाँ से लॉग आउट ये भी हो गया, मतलब यहाँ लोकल होस्ट पे ये बिल्कुल सेट चल रहा है, सही है। अब मैंने जो डिप्लॉय किया ना तो उस पे नेटलिफाई की लिंक लगा के नेटलिफाई पे उसके जरिए डिप्लॉय इसका नेटवर्क भी खोल लो, नेटवर्क भी ओपन कर लो साथ में इसका, नेटवर्क दिखाते जाओ मुझे रिक्वेस्ट जाएगा। इसका कॉर्ड्स का एरर आ रहा है। हाँ नेटवर्क तो दिखाओ इसका, नेटवर्क के टैब में जाओ थोड़ा जूम इन कर लो, नेटवर्क के टैब में जाओ मेरा बच्चा, कंसोल सोर्स के बराबर में, हाँ इसको थोड़ा जूम इन कर लो, नेटवर्क पे नीचे क्लिक करके ना जूम इन कर लो, हाँ थोड़ा बड़ा भी कर लो इसको। ये शो ओवरव्यू का चेक हटा दो यहाँ से, शो ओवरव्यू का चेक है ना, हाँ ताकि थोड़ी जगह मिल जाए। अब करो लॉगिन, ये जो लॉगिन क्लिक करो लॉगिन के ऊपर, लाल हुआ हुआ है जो लॉगिन, जो लाल हुआ हुआ है लॉगिन वहाँ पे क्लिक करो, लोकल होस्ट पे रिक्वेस्ट भेज रहे हो ना तुम अब क्लाउड पे जा चुकी है तुम्हारी वेबसाइट, क्लाउड से तुम्हारा लोकल होस्ट एक्सेस नहीं होगा। मतलब मैं वेबसाइट अपनी मशीन में चला रहा हूँ, तुम्हारी मशीन का लोकल होस्ट का सर्वर यूज़ नहीं कर सकता मैं। अब ये तुम्हारा सर्वर कहाँ होना चाहिए, साइक्लिक पे होना चाहिए अब, या हरिको पे, एक ही बात है सर। बैकएंड तो हमारा मोंगोस से कनेक्ट है ना। हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ मतलब मैंने लोकल होस्ट पे अगर मैं चला रहा हूँ तो ठीक है, मैंने ये जो पोर्ट पुश किया हुआ है इसमें सर्वर पे ना लोकल होस्ट की लिंक नहीं डाली हुई है, नेटिफाई की लिंक डाली हुई है। मैं अपना कोड दिखा देता हूँ, आप सर्वर दिखाओ, तुम सर्वर का कोड दिखाओ, कहाँ चल रहा है सर्वर तुम्हारा? जी सर्वर का ही कोड दिखा रहा हूँ ये। अच्छा मैंने ये चेंज की थी यहाँ पर इस जगह पे ना, स्क्रीन स्टक हो गई है तुम्हारी, वो नेटलिफाई की स्क्रीन तुम्हारी स्टक हो गई है, एक मिनट सर। सही है आ गया, शो हो गया, अब बताओ। मैंने ये वाला जो ओरिजिन हमने बनाया था लोकल होस्ट का, यहाँ पे मैंने नेटलिफाई की लिंक लगा के कोड पुश किया हुआ। अरे नहीं भाई तो यहाँ तो नेटलिफाई लगा दोगे तुम, लेकिन सर्वर तुम्हारा अभी चल कहाँ रहा है, रन कहाँ हो रहा है, लोकल ना? लोकल ही हो रहा है। नहीं लोकल तो चलेगा ही नहीं, जब आपकी वेबसाइट क्लाउड में चली गई तो आपका सर्वर भी क्लाउड पे जाना चाहिए, अब वो लोकल पता ही नहीं चलेगा उसको, वरना सही है सर। फिर क्या करना पड़ेगा आइडिया थे? हाँ तो सर्वर को हरिको पे या साइक्लिक पे सर्वर को डिप्लॉय करो, ये आइडिया। अच्छा और कोई तरीका ही नहीं वहाँ डिप्लॉय करना ना सर, लेकिन सर्वर तो हमारा मोंगोस से कनेक्ट है ना। मोंगोस से क्या? ये मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। मोंगोडीबी पे है ना सर्वर? तो नहीं मोंगोडीबी पे तो है सर्वर, लेकिन सर्वर है कहाँ? अच्छा, ये जो तुम अच्छा। npm start run कर रहे हो ये कहाँ रन कर रहे हो? अपनी मशीन में कर रहे हो ना? ये तो लोकल पे ही हो रहा है। हाँ तो वो अमेरिका में रखा हुआ तुम्हारा नेटलिफाई तो अमेरिका में रखा हुआ है, अमेरिका से तुम्हारा ये एक्सेस ही नहीं हो रहा।
जी ठीक है, समझ गया सर। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे तुम अपना ये सर्वर चल रहा है ना तुम्हारे कंप्यूटर में, तुमने अपना जी कंप्यूटर शट डाउन कर दिया, अब कौन सा सर्वर एक्सेस होगा, समझ रहे हो? तो तुम्हारा सर्वर भी क्लाउड में ही चलना चाहिए, जैसे तुम्हारा जो है फ्रंट एंड नेटलीफाई पे चल रहा है। ठीक है, क्लाउड कौन सा है, सर्वर कहाँ पे डिप्लॉय करोगे, नाम बताओ। साइक्लिक, लेकिन सर उसका साइक्लिक अभी पे। पता नहीं है। अच्छा ये मैंने भेज दी ना वीडियो, पता चल गया जी ना, ये ठीक मैंने है, मैं भेज तो देख दिया। लूँगा। ठीक है, ये वीडियो मैं ज़रा देख भी लेता हूँ कितने दिन की वीडियो ये। अरे भाई एक तो इसको ऐड पहले दिखाना होता है ज़िंदगी में। अच्छा ये 41 मिनट की वीडियो है जिसमें आधा तो मैंने थ्योरी बताई है, सही है? ये यहाँ तक जी ना मैंने नॉट जेएस इंस्टॉल, ये असल में नॉट जेएस के हेलो वर्ल्ड की क्लास है ना, ये यहाँ तक तो मैंने नॉट जेएस इंस्टॉल करना बता रहा हूँ मैं यहाँ तक। अब देखो यहाँ से साइक्लिक शुरू कहाँ पे हो रहा है, ये गिट में पुश हो गया ना, शुरू के 20 मिनट आपने स्किप कर देने, ये गिट में पुश हो गया ना, अब इसके बाद साइक्लिक की कहानी जी शुरू है। ठीक है सर। सही है, ये साइक्लिक मैंने यहाँ खोला है, मेरे ख्याल है 21-22 मिनट पे मैंने साइक्लिक ओपन कर लिया। बहुत ही आसान है यार, तुम देखोगे ना एक दफ़ा में समझ में आ जाएगा। सही है, ठीक है सर। तो इसको देख के डिप्लॉय कर लेना, यहाँ पे भी मैं करूँगा। अभी ये ज़रा ओके सर। कंप्लीट हो जाए ना ऐप, तो कंप्लीट होने के बाद फिर मैं इसको डिप्लॉय कर दूँगा सर्वर पे ना, तो वो समझ आ जाएगा इंशाल्लाह सब कुछ। सर जी जी दोस्त, सर, सही है सर। मेरा भी एक क्वेश्चन है, मैं ज़रा मेरे पेपर हो रहे थे तो मैं एक क्लास पीछे था। अच्छा सर मैं स्क्रीन शेयर कर, हो गई स्क्रीन शेयर। अभी लोडिंग हो रही है शायद। सर साइन अप हो जाता है लेकिन जब लॉगिन करते हैं तो तब लॉगिन नहीं हो रहा था। सर हो गई। नहीं यार, स्क्रीन आपकी अभी तक लोड ही हो रही है, रोक के दोबारा कर लें। जी अब हो गई। यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, सर ये इधर से साइन अप हो जाता जब लॉग इन करता हूँ तो लॉग इन नहीं हो रहा था। ये एरर इन एपीआई कॉल है। 404 आ रहे हैं ना इसमें। यस लेकिन लॉग इन पे ना गेट की रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप, लॉग इन असल में पोस्ट की रिक्वेस्ट होती है, आप गेट की कर रहे हैं लॉग इन में, क्योंकि डेटा भेज रहे होते हैं ना आपके, भाई ये मेरा पासवर्ड है, ये मेरा ईमेल है, जाओ चेक करके आओ, इसको भेज रहे होते हैं आप, डेटा भेज रहे होते हैं अपने पास से, तो इसलिए ये पोस्ट की रिक्वेस्ट है। बॉडी भी होगी, बॉडी तो गेट में भी भेजने को आप भेज दें, लेकिन वो अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। अच्छी प्रैक्टिस ये है कि गेट में बॉडी नहीं हो। लैब डॉट पोस्ट ही है इधर। नहीं, वो तो गेट की रिक्वेस्ट जा रही है वहाँ से, वहाँ से तो गेट की रिक्वेस्ट जा रही है। नहीं, ये तो सर्वर पे आपने पोस्ट बनाया हुआ है ना, आप अपने रिएक्ट के कंपोनेंट में जाएं, लॉगिन का जो कंपोनेंट है रिएक्ट का, उसमें आपने गलत किया हुआ है ना। ये सर हाँ, ये लॉगिन का कंपोनेंट आ गया ना, अब इसमें आप जाएं अंदर जहाँ पे एपीआई कॉल हो रही है एग्जियोस से, आपने उधर गेट किया हुआ है ना, और स्क्रॉल करना ये वाला, ये एग्जियोस डॉट पोस्ट होगा, ये गेट नहीं होगा, ये लाइन नंबर 49 की बात कर रहा हूँ, एग्जियोस डॉट गेट, ये इसको पोस्ट करें आप, डॉट पोस्ट।
चलो सेव करते हैं इसको, अब चला कर देखें। सर सर्वर एक दफ़ा दोबारा रन करो। नहीं सर्वर को ज़रूरत नहीं है चेंज करने की, सर्वर पे तो चेंज हुआ नहीं है ना। अब सर्वर पे एरर आया है, अब सर्वर के लॉग्स जाकर देखें क्या एरर आया है। ये एरर आया है पहली लाइन, इसकी पहली लाइन में जाएं इस एरर के मैसेज की। ईमेल इज नॉट डिफाइंड, लाइन नंबर 188 सर्वर डॉट एम जी एस, लाइन नंबर 188 जाएं ज़रा। लाइन नंबर 188 में चले जाएं। यस ये बॉडी डॉट ईमेल था, आपने ईमेल डॉट बॉडी कर दिया। बॉडी भी बना हुआ है कि नहीं बना हुआ, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी होगा अदरवाइज। ये बॉडी के नाम से कोई वेरिएबल आपने बनाया हुआ है क्या ऊपर? ये बना हुआ बॉडी डॉट, हाँ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी 173 पे बना हुआ है बॉडी। चला कर देखें ठीक है सर, हो गया। अच्छा आपकी स्क्रीन मेरे पास स्टक हो गई है, वेल हो गया तो अच्छी बात है। अच्छा जी किसी और का कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसा एरर जो आपसे ना बन सका हो जिसमें स्टक हो गए हो आप? जी दोस्तों किसी और को कोई सवाल? अच्छा अभी तक जिसने जिसने जो बना लिया है उसको होस्ट कर चुके हैं आप लोग साइक्लिक पे या जिस पे भी? कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने साइक्लिक पे सर्वर अभी चलाना सीख लिया? हरिको तो हमने सीखा था पहले लेकिन हरिको का फ्री ट्रेल बंद होने वाला है, तो कोई है जिसने साइक्लिक पे डिप्लॉय करना सीख लिया अभी तक? नहीं सर अभी तक नहीं सीखा। अभी तक नहीं सीखा? मैंने डिप्लॉय किया था सर्वर और लास्ट टाइम आपको बताया भी था। हाँ अच्छा अजलान जुबैर जी सर अभी सिर्फ इसकी बैकएंड मैंने जो है यूज़र की क्रड जनरेट किया और सिर्फ टोकन जनरेट करवा रहा हूँ तो ये डिप्लॉयड है। वेल डन यार, सर्वर तो आपने बना लिया साइक्लिक पे, तो अभी पता ये चला हमें कि अजलान जुबैर जो है ना इन्होंने कर लिया है, तो किसी को भी साइक्लिक वगैरह पर डिप्लॉयमेंट में कोई प्रॉब्लम है तो आप इनको ग्रुप में ना मैंशन करके आप इनसे सवाल पूछ सकते हैं क्योंकि इनसे हो गया ये। तो कॉन्ग्रेचुलेशन अजलान, आप सबसे पहले बंदे बन गए हैं जिन्होंने साइक्लिक अडॉप्ट कर लिया। सही है, बिल्कुल सिमिलर है हीरोकू का, हीरोकू के जैसा। इन्होंने बल्कि कंपैरिजन भी अपनी वेबसाइट पे दिया हुआ है हीरोकू के साथ, तो इजी है इसमें बिल्कुल। जिस तरीके से हीरोकू यूज़ करते हैं उसी तरीके से ये भी है कि आपने बस अपनी गिट रिपोजिटरी लिंक करनी और उसके बाद सिंपल कमिट करते हैं इसके अंदर। बिल्कुल सही। अच्छा अब हम क्या करने जा रहे हैं आज की क्लास में? आज की क्लास, अच्छा बाय द वे हमारी ना मेरे ख्याल है एक या दो क्लासेस और रह गई हैं, तो हमें इसको ना रैप अप करना है। जो भी हमने अभी तक कर लिया उसको हमने रैप अप करना है, तो आज हम ना क्रड ऑपरेशन कर लेते हैं जो इसके ऊपर ना जो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है उस पर हम आज क्रड ऑपरेशन कर लेते हैं। और या सर वो जो क्लास है जो कैंसिल हुई है वो कब लेंगे?
नहीं वैसे तो आपकी जो क्लास की डेट है वो 17 को ख़त्म हो गई थी, ये एक्स्ट्रा ही चल रही है हमारी, वो तो 17 को ख़त्म हो गई थी ना, अभी तो 29 सितंबर है आज, तो वो एक्स्ट्रा वाली जो क्लासेस हैं वही चल रही हैं जो आपकी कैंसिल हुई थी ना, ये वही अभी चल रही हैं। आप कोई फुल स्टैक ऐप बनाने का कह रहे थे ना? हाँ, ई कॉमर्स से रिलेटेड। हाँ तो वही हम अभी करने लगे हैं, वही हम अभी करने लगे हैं। मैंने कहा भाई ई कॉमर्स की क्रड हम बना लेते हैं, ज़ाहिर है मतलब ई कॉमर्स की जो ऐप होती है उसके अंदर जब हम प्रोडक्ट को ऐड करते हैं, गेट करते हैं, उसको एडिट करते हैं, तो ये सारा भी एक प्रोसेस हमारा हो रहा होता है, क्रड ऑपरेशन सब जगह ही हो रहा होता है, तो ई कॉमर्स का जो है ना क्रड ऑपरेशन हम इस पर करने लगे हैं अभी। ठीक है, वही ऐप जो लास्ट हम बना चुके थे ऑलरेडी, उसी की मैंने एक कॉपी बनाई है और उसी पर हम मज़ीद अब काम कर रहे होंगे। अच्छा, इसके एस आर सी में जाके स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अच्छा, तो ये मैंने उसी की कॉपी बनाई है, लेकिन इसके कंपोनेंट्स में जाके ना मैं इसमें से कुछ चीज़ें रिमूव कर देता हूँ, जैसे गैलरी है मुझे ये नहीं चाहिए, ठीक है, तो गैलरी को मैं डिलीट कर देता हूँ, अबाउट मुझे नहीं चाहिए, इसको मैंने डिलीट कर दिया, लॉगिन चाहिए मुझे, होम चाहिए, नैव बार चाहिए मुझे, प्रोफाइल चाहिए, वेदर कार्ड भी मुझे नहीं चाहिए, वेदर वेदर तो अब ख़त्म कर दिया ना हमने, होम पे जो वेदर डिस्प्ले करवाता था, बल्कि होम को भी मैं फ़िलहाल के लिए, होम पे मैंने क्या करवाया हुआ है, अच्छा होम को भी मैं उड़ा देता हूँ, सही है, ये सब मुझे अभी नहीं, लॉगिन साइनअप चाहिए मुझे, और प्रोफाइल पे डायरेक्ट मूव करेगा, अभी हम ऐसे कर देते हैं कि जैसे ही बंदर लॉगिन करेगा वो डायरेक्ट प्रोफाइल के पेज पे आ जाएगा। प्रोफाइल के पेज पे क्या है अभी इस वक्त, अच्छा इसको रन भी कर लेते हैं ना हम साथ साथ, ये मैंने कैंसिल किया, सी डी डॉट डॉट सी डी, इसका नंबर भी चेंज करना था हमने, 11 है ये, सही है, सी डी 11 डज 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 npm run dev, ठीक है, और यहाँ पे भी मैंने इसको रोका, cd:\cd:\cd11\cd-web\npm-start enter, ठीक है, तो ये हमारी वही ऐप रन हुई है, लेकिन ज़ाहिर है इसमें से बहुत सारी चीज़ें हमने क्या कर दी हैं, रिमूव कर दिए हैं इसमें से, ठीक है, अच्छा रिमूव करने की वजह से वो एरर भी दे रहा है, ठीक है, क्योंकि ऐप डॉट जे एस आप एफ डी ए फाइल वो वेब बनवाएंगे पी डब्ल्यू ए, यार मेरी ख्वाहिश तो थी कि मैं बनवाऊँ, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि अभी हमारे पास टाइम इतना बचा, इसी में ही हमारे पास चीज़ें काफ़ी सारी बाकी हैं। अच्छा, तो होम मेरे पास मौजूद नहीं है, कोई रिसोर्स बता दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बता दूंगा। अच्छा, ऐप डॉट जे एस एक्स में लाइन नंबर 8 में बता रहा है एरर है, ठीक है, लाइन नंबर 8 में क्या एरर है भाई। अच्छा, होम नहीं है मेरे पास, होम को उड़ा दिया मैंने, गैलरी नहीं है मेरे पास, को उड़ा दिया मैंने, सेव, और अब क्या बचा, गैलरी इज़ नॉट डिफाइंड, अच्छा नीचे जाहिर है वो मैं उसको प्रिंट भी करवा रहा हूँ ना जो ऊपर इम्पोर्ट किया हुआ है, तो मैंने कहा ठीक है भाई गैलरी नहीं होगा हमारे पास, अब होम की जगह में कुछ ना कुछ करवाना पड़ेगा अभी, ठीक है, फिलहाल अभी मैंने होम को भी उड़वा दिया, और लॉगिन साइन अप तो सही है, उसके अलावा ये वही बैकग्राउंड इमेज जो थी हमारी वही चलती थी। अच्छा, ये मैंने रिफ़्रेश किया तो कुछ इस तरह का सीन है इसमें। अच्छा, अब प्रोफाइल में बंदा जब आता है तो प्रोफाइल का जो पेज है हमारे, यार ये क्या बकवास है, प्रोफाइल क्यों नहीं आ रहा, एक मिनट, स्लैश प्रोफाइल किस पे आता है, स्लैश प्रोफाइल पे प्रोफाइल आता है ना, सही तो है, ओके, स्लैश प्रोफाइल पे प्रोफाइल है, और प्रोफाइल बना हुआ है ना, सही है, बना हुआ तो है, प्रोफाइल पे जा क्यों नहीं रहा, होम प्रोफाइल, अच्छा ये पता नहीं क्या गड़बड़ हो रही है, प्रोफाइल का बटन दबा रहा हूँ ना तो ऊपर ये स्लैश करके प्रोफाइल लिखा हुआ नहीं आ रहा, वेल नैव बार से भी मुझे कुछ चीज़ें रिमूव करनी होंगी, क्योंकि नैव बार में भी ना वो बटन्स क्योंकि पुराने लगे हुए हैं तो उसके अंदर क्या आ रहा है, स्लैश गैलरी उसके अंदर आ रहा है जो कि मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, और स्लैश होम आ रहा है, होम अभी बनाते हैं हम थोड़ी देर में, होम पे क्या बनाना है,
सही है, बल्कि होम को भी फिलहाल में नहीं, चलो होम को रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लॉग इन साइन अप है, ठीक हो गया जी। इसको मैं नो थ्रॉटलिंग कर देता हूँ ताकि जल्दी जल्दी से ये लोड हो। तो होम है और प्रोफाइल है, प्रोफाइल में ऊपर पता नहीं क्यों बना हुआ नहीं दे रहा है, क्या बकवास है। अभी भी कंसोल पे कुछ एरर्स हैं, क्या हैं ये एरर्स? अच्छा, ये किसी जगह पे डिपेंडेंसी एरे गायब हो गया हमारा, किसी यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर ना कोई गड़बड़ हुई है। डिपेंडेंसी एरे है तो सही, यार ये क्या बकवास है यार, बता ही नहीं रहा कि वो कहाँ पे ये एरर आया हुआ है। एक काम करते हैं, हम सर्च करके ना कहाँ कहाँ पे यूज़ इफ़ेक्ट यूज़ किया हुआ है मैंने पूरी ऐप के अंदर, वो मैंने एंटर किया तो ये सारी वो जगहें आ गई मेरे पास ना। इसमें सब में मेक श्योर कर लेते हैं कि ये लगा हुआ है डिपेंडेंसी एरर। सही है, इम्पोर्ट 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 यूज़ इफेक्ट, एक ये लगा हुआ है पूरी ऐप में, जहाँ जहाँ लगा हुआ है सब जगह पे हम मेक श्योर कर लेते हैं कि वो है। अच्छा, एक एक को हम कॉमेंट भी करके चेक कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। अच्छा, प्रॉब्लम है इसी वाले में ही है। कौन से वाले में है ये? app.js वाले में ही ये प्रॉब्लम है। सही है, उसके अलावा यहाँ पे एक लगा हुआ है यूज़ इफेक्ट। किसी एक यूज़ इफेक्ट में मैंने भंड मारा है जिसकी वजह से वो पंगा कर रहे हैं। यार यहाँ पे कोई वार्निंग नहीं दे रहा, इस वाले पे ये वार्निंग दे रहा है, क्या वजह है? इस पे मैं वार्निंग दे रहा है, ये वार्निंग क्या है भला? ये रिएक्ट हुक यूज इफेक्ट इज अ हैज अ मिसिंग डिपेंडेंसी डिस्पैच।